कराची में बहुत प्यारी जगह, कराची में बहुत, और इसके साथ ही मुझे अगले किसी अच्छे से व्लॉग के लिए इजाज़त दी है। गाइज आप देख सकते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिना और मोहम्मद अली जिना, और ये आपसे कह रहे हैं कि किताबों से मोहब्बत करें, इल्म हासिल करें, क्योंकि मेरे शहर में इल्म वालों की शायद कमी हो गई है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात से इख्तलाफ़ करें, तो इल्म हासिल करें चाहे। तो गाइज़ अब देखते हैं यहाँ पे बुक्स वग़ैरह जो है ना मौजूद हैं, और मेरे हाथ में जो है वो, तो ये एक मैंने बुक उठाई है शायरी की, बामे फलक। तो ये एक बुक जो है सैयदा हुमा ताहिर की जो बुक है वो मेरे हाथ आई है। इसमें से अगर कोई अच्छा सा शेर मुझे मिलता है तो मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे छत पर खड़ी कब से इन्हें देख रही हूँ, तारों ने पुकारा था मुझे बामे फलक से। तो ये अगर आप किताब मार्केट में यहाँ पे आके आप इनकी पोइट्री पढ़ सकते हैं, और राइटर का नाम है सैयद हुमा ताहिर। तो ये एक बुक मैंने निकाली है यहाँ पे, और आप बच्चों को लेके आएँ ताकि बच्चों को जो है वो किताबों से मोहब्बत हो। वैसे तो नॉर्मली किताबें जो हैं आपने देखा होगा कि अब वो ठेलों पे और फुटपाथों पे आ गई हैं, और शोकेस और अच्छी दुकानों पे जो जगह हैं वो जूते और चप्पलों ने ले ली है। खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिस कौम को ख्याल अपनी हालत बदलने का। अल्लामा इकबाल ऐसे ही कौम के लिए ये शेर बहुत पहले कह सकते हैं कि ये बैठने के लिए बड़ी ख़ूबसूरत सीटें और चेयर्स वग़ैरह टेबल भी मौजूद हैं यहाँ पे, और किताबें भी पड़ी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ आपने देखा आज का ब्लॉग, यकीनी तौर पे आपको पसंद आया होगा, और ये जगह इतनी ख़ूबसूरत है और इतनी पीसफुल है कि मुझे तो बड़ा मज़ा आया, और ख़ासकर ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है जो किताबों से मोहब्बत करते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप फैमिलीज़ के साथ या बच्चों को तो कम अज़ कम ज़रूर ले कर आएँ और दिखाएँ ये चीज़ें, ताकि उन्हें किताबों की अहमियत का अंदाज़ा हो। तो गाइज आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको यकीनी तौर पे ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आई है हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह किसी अच्छे और नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आरिफ जी को अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।